गाइस गुड मॉर्निंग। आज मुझे किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ की रोड देख करके तो इतना बुरा फील हो रहा है। सारी दुकानें बंद, रोड सूनी। मैं 1.5 महीने बाद बाहर निकली, पूरी रोड खाली। यार मेरे को सही में कितना खराब लग रहा है। हाँ भैया, हम तो जाते हैं तो कितना और लगता है, हमको समझते हैं। घर के पास ये बिलहरी एरिया है, 2.5 किलोमीटर है लगभग। हम कोरोना पॉजिटिव 2 लोग पाए गए हैं, 7 पुलिस वाले हैं ना। पुलिस वाले पकड़ा था एक। हाँ, एक जो भाग गया था ना मेडिकल कॉलेज से, तो उसको ही पकड़ा और उसके उनके पकड़ने के बाद ही उनको हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं, बहुत अर्जेंट काम था इसलिए आज घर से बाहर निकलना पड़ा लॉकडाउन में भी। नहीं, 11 बजे तो बंद होने का टाइम है। नहीं नहीं, दिन भर खोल देगा टाइम। अच्छा, मेडिकल स्टोर दिन भर खुला रहेगा। अच्छा, जिन 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो इस कॉलोनी में रहते हैं। ये रास्ते में पड़ रहा है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। एक तरफ से बंद कर दिया, एक तरफ से खुला रखा है आने जाने के लिए। मैं घर आ गई हूँ और घर आए मुझे काफ़ी देर हो गया है, अब तो शाम हो गई, 6 बज गया है। मैं आपको बता नहीं पाई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे क्या बाहर निकल के बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे क्यों जाना पड़ा लॉकडाउन होते हुए भी, मजबूरी थी मेरी जाना, नहीं तो मैं तो 1.5 महीने से नहीं निकली हूँ घर से बाहर। तो मैं तो 3 दिन से कंटिन्यू जा रही हूँ। मुझे क्या है कि वायरल फीवर हो गया था, तो 3 दिन से मुझे कंटिन्यू इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा। 24 तो मेरी एनिवर्सरी थी, आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा। और 27 की नाइट को मुझे ठंड देकर के फीवर आ गया। पहले तो नॉर्मल से ऐसा लग रहा था, मुझे लगा शायद थकान वगैरह के कारण फीवर वगैरह, हल्का सा फीवर था, ज़्यादा नहीं था, 99 समथिंग था। तो एक नॉर्मल सी मैंने पैरासीटामोल खा ली, तो बट वो रात को 2 बजे मुझे 102 डिग्री फीवर हो गया। फिर तो टेंशन की बात हो गई कि अब क्या हो गया होगा। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे आप लोग को भी शायद मेरी इस वीडियो से कुछ आपको भी हेल्प मिल सके कि हमको इस समय बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जब मुझे 102 डिग्री फीवर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे जो बीमारी समय फैली हुई वही हो गया है, मेरा दिमाग में वही हावी है इस समय, क्योंकि वही सुन रहे हैं न्यूज़ में, लोगों के मुँह से सब वही सुन रहे हैं। तो ज़रा सा भी सर्दी जुकाम फीवर कुछ भी होता है ऐसा लगता वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन अब दिमाग है, अब क्या करें। तो हम बोलते रहते हैं कि सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन खुद ही जब अपने आप ऊपर आता है ना ऐसा कुछ, तो अपन उस टाइम सब भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मुझे फीवर आया तो मुझे बस ऐसे ही लगने लगा, और सब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने से ही दूर भगाने लगी, तुम लोग रूम से बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, मुझे लगता है कि बस वही हो गया, कोरोना ही हो गया है। तो बल्कि सब बहुत डांट रहे थे मेरे को कि ऐसी पागल हो तुम, कि ऐसे थोड़ा ना होता है, तो तुम्हें ऐसी नॉर्मल फीवर है। और मेरे को ऐसे ना सर्दी थी ना गले में कोई दर्द था, कुछ नहीं था, सिर्फ फीवर ही था। बताना चाह रही हूँ कि मतलब सच में लोगों को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, निगेटिविटी अपने आस पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट था इसलिए उन लोगों ने इतना समझा करके सब रखा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हम नहीं समझ पाते या वो लोग भी वीक हो जाते तो इंसान तो मतलब कोरोना से बाद में मरेगा, हार्ट अटैक से पहले ही मर जाएगा। तो वही मैं आप लोगों से मतलब ये बात शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास सिर्फ यही बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो सिर्फ उसी को लेकर के नहीं चलें कि बस हमें वही हो गया है। तो सच में मैं अपनी ही गलती से मुझे ही सीखने को मिला कि वाकई मैं एक ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें कर रही थी उस दिन। तो अब तो मैं ठीक हूँ, और मैं ही जहाँ जिस एरिया में गई थी उसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कोई उनको भी हो गया, जो तो उनकी वजह से शायद, और आज पता चला मुझे कि और कुछ लोगों को हो गया है। तो मतलब लोग मान नहीं रहे हैं, ये भी गलत बात है, लोगों को मानना चाहिए, ऐसे फैला रहे हैं। और जबलपुर में तो 80 से ज़्यादा ही लोग हो गए हैं। बस मैं इस वीडियो के थ्रू यही सबसे कहना चाहती हूँ कि सब लोग पॉजिटिव रहिए, एंड करती हूँ, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।
अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा रहा हो आपको तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी कोई अच्छे से वीडियो के साथ। ओके।